कानपुर शूटआउट के बाद से ही अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस सख्त नजर आ रही है। विकास दुबे के गुर्गों के अलावा मुख्तार अंसारी जैसे कुख्यात बाहुबलियों की भी शामत आ गई है। पुलिस ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और उनके गिरोह के आर्थिक साम्राज्य पर गहरी चोट की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने वाराणसी जोन के अलग अलग जिलों में प्रतिबंधित मछली के कारोबार, स्टोरेज, गिरोह बनाकर वसूली, कोयला कारोबार, बूचड़खाना समेत अन्य अवैध धंधों पर अंकुश लगाकर तगड़ी चोट दी है। बताया जा रहा है कि मुख्तार गैंग को मछली कारोबार से ही 33 करोड़ रुपए की सालाना आय होती थी और इन धंधों से ही उसका पूरा गैंग संचालित होता रहा है। वहीं एडीजी कार्यालय से भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार मुख्तार की शह पर गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ में कब्जाई गई 120 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति कब्जे से मुक्त कराई गई है। अब तक की कार्रवाई में मुख्तार गिरोह की सालाना 48 लाख रुपए की आय बंद की जा चुकी है। पुलिस की कार्रवाई जारी है और मुख्तार के गुर्गों पर शिकंजा कसता जा रहा है। इस दौरान पुलिस ने वाराणसी, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर और इस जोन के अन्य जिलों में कई लोगों की गिरफ्तारी भी की है जो सीधे मुख्तार के लिए अवैध काम करते पाए गए थे। ऐसे 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 78 बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। उधर मुख्तार के करीबी ठेकेदारों के भी सरकारी ठेके के लिए चरित्र प्रमाण पत्र रद्द किए गए हैं। मुख्तार के करीबियों ने खुद पर दर्ज मुकदमों को छिपाकर असलहों का लाइसेंस ले रखा था। ऐसे लोगों के 81 असलहों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं।